अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे। इससे पहले मैं शो को स्टार्ट करूं, एक दफ़ा फिर आप लोगों का थैंक यू, वेरी वेरी बिग थैंक यू आप लोगों का इतना अप्रिशिएट करने का हर चीज़ का। रियली आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। बस इसी तरह जब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, साथ रहिए, हर चीज़ देखिए, ट्राई करिए। वीकेंड भी आ रहा है, वीकेंड नॉर्मली यही होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, फैमिली सब घर होती है, इकट्ठे सब होते हैं, तो नई चीज़ें ट्राई करने का मौका है होता है। सो दिस वीकेंड आई वुड वांट कि आप लोग सब जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हों वो ज़रूर ट्राई करिएगा और इवनिंग विद शिरीन के पेज पे शेयर करिएगा। बात जब हाई टी की आती है, स्नैक्स की आती है, तो पता नहीं क्यों हमारे वहाँ ये होता है कि बैक ऑफ द माइंड सबके दिमाग में बस कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो हमारी रिवायती चीज़ें हैं, समोसे हैं, रोल हैं, चाट, दही बड़े, पकौड़े वगैरह, लेकिन हर बार एक ही मेन्यू रखना, एक ही चीज़ करना एक मोनोटोनस हो जाता है। तो व्हाई नॉट ट्राई न्यू थिंग्स। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो आप लोग ट्राई किया करें। आज मैं, कल बताया था जिन लोगों ने कल का शो नहीं देखा था, कि आज मैं 3 हाई टी की चीज़ें आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अगेन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हाई टी पे ही बनाएं, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी बना सकते हैं। उसके अलावा अर्ली डिनर जब होता है, आजकल आपको पता है इतनी हैवी चीज़ें कोई खाता नहीं है, तो ये आप डिनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लंच में एपेटाइजर्स के लिए भी यू कैन यूज़ इट, मतलब मल्टीपर्पज़ वाली चीज़ होती है ना ये, वो इस तरह की 3 रेसिपीज़ हैं। वेरी सिंपल, वेरी ईजी, और उस पर वो कहते हैं ना कि चेरी ऑन द टॉप क्या होगा, आज आपको पता है वेडनेसडे है, हमारे साथ सूरी हैं। सूरी पर्सनली मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, इसलिए नहीं कि मैंने सूरी के साथ काम किया है या कुछ इस तरह से, बट वाकई में सूरी की सॉसेस हकीकत में बहुत अच्छी हैं। आप लोगों को जो जो यूज़ कर चुका है उसको पता ही होगा, सूरी किसी उसकी मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन का, बट उनका रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो टेस्ट है ना, वो हकीकत में मैंने आजमाया है ख़ुद। तो जब आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो फिर आप सूरी को ज़रूर लाएं और ट्राई करें। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सूरी से सिखाई थी, सॉसेस से यूज़ करके। जो सबसे पहली बात तो ये है ना कॉन्सेप्ट कि सूरी इज़ अ थाई प्रोडक्ट, थाईलैंड प्रोडक्ट है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो हलाल नहीं है। सूरी इज़ 100% हलाल। सेकेंडली, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सूरी की सॉसेज आप लोग इसलिए घर नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे घर में किसी को थाई खाना नहीं पसंद या हमारे घर में किसी को चाइनीज़ खाना नहीं पसंद। सूरी से मैंने आप लोगों को हमारी देसी लोकल भी इतनी सारी रेसिपीज़ सिखाई हैं कि वो जो कि एक्चुअली हिट हुई हैं मेरी रेसिपीज़। तो प्लीज़ वो चीज़ें इस्तेमाल करें, सूरी की सॉसेज लाएँ, वो चीज़ें ट्राई करें। और आज तो ठीक है, आज मैं नहीं इतना कुछ देसी सिखा रही, बट सूरी की मैं बहुत बिरयानी सिखा चुकी हुई हूँ, कढ़ाई मैंने सूरी से आप लोगों को सूरी की सॉसेज से सिखाई हुई है, बहुत कुछ मैंने सिखाया हुआ है। आगे भी मम्मी ने भी, इनफैक्ट नॉट ओनली मी, आई थिंक सूरी बहुत सालों से हमारे साथ है इवनिंग विद शिरीन के, मम्मी ने भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। उसके साथ ही आज हमारे साथ इटालिया है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया है, इटालिया के बगैर, इटालिया की प्रोडक्ट्स के बगैर मेरा किचन इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, मैं हर चीज़, इवन आज दोपहर को जो मेरा सैलड बना था उसमें इटालिया का कॉर्न था, एवरीथिंग, मेरे घर में इटालिया की हर चीज़, ऑलिव ऑयल से लेके हर प्रोडक्ट उनका यूज़ होता है उस। एंड आज हम बनाएंगे मोनसलवा भी, आज वेडनेसडे है, हमारे साथ मोनसलवा होगा। मोनसलवा की हम क्रिस्पी चिकन शॉर्ट से एक बहुत मज़े के कप्स बनाएंगे, ठीक है, वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। तो चलते हैं हम लोग अपनी काउंटर की तरफ और आज की फ़र्स्ट रेसिपी से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेसिपी इज़ हुमस पफ्स, नाम इसका हुमस पफ्स है, बनेगा इसके साथ हुमस। मुझे अभी थोड़ा सा, मैं रुक इसलिए बीच में गई थी क्योंकि मुझे ख्याल आया था लास्ट टाइम मैं फरमाइश पूरी नहीं कर पाई थी। लास्ट टाइम मुझे किसी ने फरमाइश की थी हुमस बनाने की, एंड देयर यू गो, आई होप आप शो, जिसने भी मुझसे फरमाइश की थी वो मेरा शो देख रही होंगी और आज आप मेरी रेसिपी का हुमस, बहुत लोग सिखा चुके हैं, शायद मम्मी ने भी सिखाया होगा, बट मैं थोड़ा सा हुमस डिफरेंट बनाती हूँ, वो आप देखिएगा किस तरह मैं बनाती हूँ। अच्छा, हुमस पफ्स के लिए करना क्या है, यहाँ पर हुमस की चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, उससे हम हुमस बनाएंगे। उसके अलावा व्हाई इज़ इट कॉल्ड पफ्स, पफ्स इसलिए क्योंकि आपने मिनी बंस लेने, मिनी बंस आप लोगे, मिनी बंस लेने के बाद अपनी कोई भी छोटी सी कार्विंग नाइफ से या आपका जो
कटर, छोटे कटर होते हैं, उससे आप इसको बीच में से हॉलो कर लोगे। हॉलो करके इसके ऊपर और अंदर आपने वो लगाना है ऑयल, इटालिया का ऑलिव ऑयल लगा के, और उसको हार्डली 7 to 8 minutes के लिए बेक करना है। इतनी देर आपने बेक करना है कि बस इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये डार्क हो जाए। दो तरीक़ों से मैंने बंस काटे हुए, एक बड़ा एक छोटा। शुरू में फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ये ट्राई किया था, ये ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा था तो मैंने सारे इसी तरह बना लिए। आप लोगों को अगर ज़्यादा फिलिंग डालनी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सो यू कैन ऑलवेज डू दिस। ठीक है, अच्छा, इसके कवर मैंने फेंके नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज फेंक तो इसको वैसे भी नहीं सकते, बट ये मैंने संभाल लिए थे कि इसको हम इसी के साथ, फिर जिसका जो होगा ढूंढना पड़ेगा मुझे, इसके साथ हम इसको कवर करके, आई विल सी कि अगर मुझे लग रहा है कि इसको कवर करके सर्व करना है, कवर करके सर्व करेंगे। चलें पहले हम लोग हुम्मस बनाएंगे। अच्छा, हुम्मस बनाने के लिए आपको पता है सबसे पहला जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है छोले। छोले सबको आते हैं उबालना, भिगोना। रात को आप इसको सोडा मिला के भिगा दें, सुबह पानी वॉश कर, पानी से उसको रिंस आउट करके और साफ पानी में इसको उबाल दें। रात को अगर आपने इसमें सोडा डाल दिया है तो फिर आपको दोबारा सुबह इसमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सुबह आप, अब रात को सोडा आपने नहीं डाल के इसको भिगाया है, तो फिर आप बेशक इसको उबालने के टाइम पर सोडा डाल सकते हैं। नंबर वन इन्ग्रीडियंट जो ऑब्वियसली जिसके बगैर हुम्मस नहीं बन सकता वो है छोले, और छोले के बाद जो इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है ताहिनी पेस्ट। ताहिनी पेस्ट क्या होता है? ताहिनी पेस्ट जो है वो आराम से रेडी मिल जाता है, ये बन भी जाता है घर में, बट अब तो आपको पता है आसानी हो गई है, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये तिल का पेस्ट होता है, ठीक है, तो इसके बगैर हुम्मस का फ्लेवर, हुम्मस का टेस्ट नहीं आएगा। एक कप छोले वाइट बॉइल्ड, और उसमें जा रहा है 2 tablespoons ऑफ ताहिनी पेस्ट। फ्रेश गार्लिक चॉप्ड या पेस्ट, फ्रेश। मैंने फ्रेश पे क्यों इतना एम्फेसाइज किया? बिकॉज हुम्मस के लिए आपने लाजमी फ्रेश गार्लिक, ताज़ा लहसुन लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी 2 tablespoons दही, और इसमें जाएगा लेमन जूस 2 tablespoons, एंड क्रीम जाएगी इसमें जो कि मैं लास्ट में डालूंगी, एंड नमक, सॉल्ट 1/2 teaspoon, लेमन जूस 2 tablespoons। ये इसकी खट्टा फ्लेवर आता है तो ये मज़े का लगता है। और इसको हम ब्लेंड करेंगे इटालिया के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। पहले मैं इसमें डालूंगी 2 to 3 tablespoons, और फिर इसमें मैं देखूंगी और मुझे कितना ज़रूरत है। इसकी ब्लेंडिंग सिर्फ ऑलिव ऑयल से होती है, ठीक है। और हुम्मस में मेन जो, अगेन थर्ड मेन इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। चने, जाहिर सी बात है उसके बगैर ये बन नहीं सकता। ताहिनी एंड ऑलिव ऑयल, इसमें प्लीज़ नॉर्मल तेल नहीं डालिएगा। जब तक मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ब्रेक का एक टाइम आ चुका है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक लेके आप लोग वापस आएँ। इसमें मैं सिर्फ तेल, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा देख के डालूंगी, 1 to 2 tablespoons, जितना डालना था आपके सामने डाल चुकी हूँ। सिर्फ अगर इस, वो भी आई एम नॉट श्योर, आई विल सी, बिल्कुल जाएगा, सिर्फ 2 tablespoons और इसमें ऑयल जाएगा, और मैं इसको ब्लेंड करूँगी, बाकी सब कुछ आपके सामने वापस आके करेंगे। स्टे विद अस। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जिस तरह आपको बताया था इसमें मैंने मज़ीद 2 tablespoons ऑलिव ऑयल डाल के और इसको बहुत अच्छा ब्लेंड कर लिया।
इसका आप लोग टेक्सचर देख लेना। ऑलिव ऑयल इसमें कम अज कम आप समझें 3/4 कप, हाफ कप टू 3/4 कप मैंने यूज किया है। अब इस हुमस में मैं थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। वो वेजिटेबल्स हैं अनियन फाइनली चॉप, टोमेटोज थोड़े से फाइनली से थोड़े से बड़े, क्यूकम्बर, खीरा बीन्स निकाल के, और प्याज फाइनली चॉप, एंड जर्किन्स सॉरी हेलोपिनोज। ठीक है, अच्छा हेलोपिनोज मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड। हेलोपिनोज आप लोग को सबको पता है ना क्या है, प्याज एक लिखी हुई है इसमें। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये एक छोटी प्याज है, इसमें मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। टोमेटो भी 2 टेबलस्पून, वरना वो बहुत वेजिटेबल हो जाएगा, एंड क्यूकम्बर, खीरा भी 2 टेबलस्पून। ये सब कुछ डाल के इसको मैं मिक्स करूंगी। हाई टी पे भी आप ये बना सकते हो, ये डिनर के लिए या लंच, नॉट लंच आई वुड नॉट से लंच, डिनर के लिए एपेटाइजर के लिए आप ये बना सकते हो। और फिर इसको हम इसमें फिल करेंगे। यहाँ पर मैंने टूथपिक्स में 2-2 ऑलिव्स लगा दिए हैं, आप एक ब्लैक एक ग्रीन भी लगा सकते हैं। आपको पता है इटालिया के ऑलिव्स हमारे पास आते हैं होल एंड स्लाइस्ड बोथ, यू कैन इवन डू दैट कि एक ग्रीन एक आपने ब्लैक लगा लिया, या आपने एक बेबी टोमेटो भी लगा सकते हैं। ये सब आपके अपने ऊपर है, आपको जैसे दिल चाहे आप इसको अरेंज कर सकते हो। मैंने बताया था इसको मैंने 5 से 8 मिनट के लिए सिर्फ हल्का सा बेक किया है, दैट ये क्रिस्प हो जाए। कॉलर है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा जी। Hello. जी अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं रबी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी सबा? आज बड़ी अच्छी रेसिपीज बना रही है और मैंने आपको फीडबैक देना था। असल में मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, वरना मैं आपको पिक्स भी आपके पेज पे जरूर सेंड करती। कोई बात लेकिन नहीं, लेकिन मैंने वो जो फर्स्ट डे आपने बनाया था ना, वो चाम्प बनाई थी ना जो मटन की है ना, स्टिकी सॉस, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पड़ी हुई थी ना, मैंने वो सेव करी थी और मैंने वो बनाई है, इतने मजे की बनी है ना, उसके साथ वो जो सॉस था स्टिकी सॉस बहुत अच्छा बना है। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वो रायते के साथ, वो मैंने पूरा मेन्यू बना लिया था ना, रायते के साथ भी मैंने सर्व किया था और मैंने वो उस सॉस के साथ भी किया था, बच्चों को भी बड़ा पसंद आया। जबरदस्त क्रिस्पी, क्रिस्पी बनी थी, बड़ा पसंद। हाँ जी, क्रिस्पी बनी थी, बहुत मजे की, मैंने कहा बहुत यमी क्रिस्पी थी और उसकी सॉस मुझे बहुत पसंद आई, बिल्कुल सॉस भी मुझे खाने पसंद है। फिर मैंने कुछ उसके साथ वेरिएशन की, मैंने रायता बना लिया, उसके साथ नान मंगवा लिए, वो मैंने पूरा मेन्यू बना के ना नेक्स्ट डे मैंने उसको दोपहर में हम लोगों ने वो ही खाया। कमाल हो गया, यही तो बात है ना, वेरिएशन ही तो करने हैं आप लोगों ने, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया अदा करना था। और अच्छा कह रही है, मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठी हुई हूँ, मैं सारा नोट कर रही हूँ, बिल्कुल बना के मैं आपको रोज बताऊंगी जो जो बनाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू सबा, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, अल्लाह हाफिज। ये देखें है ना, ये इतना सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपने। आप देखो ये बना कितना जल्दी है, बस हुमस। अच्छा बाय द वे, हुमस भी मैं आपको बता दूं कि हुमस बनाकर आप आराम से इसको
फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी ये एक हफ्ता रह जाता है. तो कभी अचानक कोई आ भी जाए, दिस इज़ लाइक वो वाली चीज़ है ना कि आपने ईद ट्रॉली पे इसको बनाया, ईद पे भी वही सब रमज़ान में फ्राई खा के सब थक जाते हैं. तो बजाय सैंडविचेस के आप सैंडविचेस या बर्गर्स बनाओ, आप ये बना सकते हो. अच्छा, ये बीच में जो है ये देखो आप लोग, बड़ा वाला है. तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए. मुझे छोटा वाला अच्छा लगा था इसलिए मैंने छोटा वाला डाला था. इस पे आप पेपरिका चाहो तो स्प्रिंकल कर दो. मेरे पास इस वक्त सामने टोमेटो मेरे क्यूब्स बचे हुए थे तो मैं ये लगा रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा कलर ऐड करना था. फॉर वंस मैंने धनिया नहीं यूज़ किया. ये सब आपके अपने ऊपर है, आप इसको किस तरह. इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट है मेरा वहाँ रखा हुआ, वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट डाल के उसको गार्निश करूँगी. हुम्मस पफ्स रेडी. ठीक है, अब हम अपनी सेकंड रेसिपी करेंगे. सेकंड रेसिपी है हमारी चिली चीज़ कॉर्न कप्स. ठीक है, चिली कॉलर है हमारे साथ, बात करते हैं. हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? भी ठीक. कहाँ से बोल रहे हो आप हुमैरा? थैंक यू. आली वाला से बात कर रही हूँ. जी थैंक यू, थैंक यू सो मच. आप देख रहे हो? जी मैं देख रही हूँ. मैं जब श्री अपन ने फर्स्ट शो शुरू किया था ना, तब से देख रही हूँ. अरे वाह, मतलब 11 12 साल? जी जी. वेरी नाइस. रेगुलरली देखती हैं? बिल्कुल रेगुलरली देखती हैं. अच्छा, एक भी मिस नहीं किया? नहीं, एक भी मिस नहीं किया, कभी भी नहीं. जबरदस्त, आप शेफ तो बन गई होंगी फिर तो अभी तक. जी मैं केक बनाती हूँ, डेट केक, पाइनएप्पल केक, सारे केक ट्राई किए, बहुत अच्छे बनते हैं. अच्छा, क्या कहेंगी, आपको मेरे शोज अच्छे लग रहे हैं? पहले देखे या इस बार पहली बार देख रही हैं? कल का शो बहुत अच्छा किया है आपने. थैंक यू. वो आपको समझ आया था? जी मैंने सारा नोट कर लिया है. ठीक है, आप बनाइएगा ये वाली पेस्ट्रीज वगैरह, केक रोल सब बनाइएगा. ठीक है, आपने ना वो नान खटाई बनानी सिखा दें. ठीक है, नान खटाई कौन सी वाली, सॉफ्ट वाली या सख्त वाली? कमर्शियल भी चलती है. ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपने मेन्यू में ऐड कर दूंगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया है. मैं जब तक ये अपने हुम्मस पफ्स का सामान क्लियर करती हूँ, अपने चिली चीज़ कॉर्न कप्स का यहाँ पर चीज़ें लेके आती हूँ, आप लोग जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके आ जाएं. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन. हुम्मस पफ्स बन चुके हैं. जिन्होंने हुम्मस की फरमाइश की थी, आई होप वो आज शो देख रही होंगी. बहुत सिंपल तरीका था, मैं जल्दी से एक छोटा सा आपको रिकैप दे देती हूँ. हमने क्या किया था हुम्मस पफ्स के लिए, कि सबसे पहले आपने नॉर्मल बेकरी के बंस ले लिए, 8, 10, 12 जितने भी, उसको आपने बीच में से हॉलो कर लिया. कोई भी छोटी छुरी से कर लें या आप किसी कटर से कर लें, कटर को उसके अंदर डाल दें, वो आराम से बाहर निकल आएगा. उसके बाद उसको आपने हल्का सा इटालिया के साथ ब्रश किया और बेक कर लिया 5 to 7 मिनट, जब तक वो अच्छा सा ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन कलर हो जाए. उसके बाद हुम्मस बनाने के लिए आपने उबले हुए बॉइल्ड छोले लिए, रात को भिगा के सुबह उबाल के छोले लिए 1 कप. उसमें आपने 2 tablespoons ताहिनी पेस्ट डाला, 2 tablespoons लेमन जूस डाला, ऑलिव ऑयल से उसको आपने बीट करना है, ताज़ा पिसा हुआ लहसुन डालना है, नमक आप अपने हिसाब से डालें, दही डाली और उसमें मैंने क्रीम डाली. ये सारी चीज़ें डाल के हुम्मस को मैंने बीट किया, ब्लेंड किया. ब्लेंड करने के बाद उसके अंदर मैंने 4 vegetables चॉप की हुई डाली. मैंने उसमें डाला क्यूकम्बर, टोमेटोज, हेलोपिनोज और क्या डाला था, हेलोपिनोज, क्यूकम्बर और टमाटो, प्याज, अनियन. ये चारों चीज़ों के साथ उसको मिक्स किया. मिक्स करने के बाद जो हमने बंस में हॉलो बनाया था उसके अंदर 1-1.5 teaspoons जितना आपको लगेगा कि उसमें ज़रूरत है वो आप डालोगे. किसी भी टूथपिक में आप अच्छे से ऑलिव्स लगा लें, बेबी चेरी टोमेटोज़ लगा लें, कोई भी सब्ज़ी लगानी है, पाइनएप्पल का चंक लगा लें, इटालिया का, बेबी कॉर्न लगा लें, जो दिल चाहता है आपका वेजिटेबल लगाएं और उसको आप सर्व करें. अब
हम सेकंड रेसिपी अपनी करेंगे. सेकंड रेसिपी हमारी है चिली चीज़ कॉर्न कप्स. ठीक है, वैसे तो इसका नाम होना चाहिए था सिराचा चीज़ कॉर्न कप्स, क्योंकि सिराचा सॉस के बगैर पता नहीं मुझे क्यों लगता है, सूरी की मुझे क्यों लगता है कि मेरी कुकिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह जाती है. सिराचा आपको पता है सूरी सॉस का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बनता है, तो इसमें मैं सिराचा सॉस यूज़ करूँगी. साथ ही मैं सबसे पहले, इससे पहले मैं इस पे कप्स पे आऊँ आपको कप्स का समझाऊँ, मैं पहले फ्राई करूँगी मोनसलवा के चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स. अब आप ये देखें कि मैं क्या चीज़ किस चीज़ से बना रही हूँ. हम लोग कहते हैं कि ये इतनी बोरिंग हो गई हैं चीज़ें, यही वही तरीका है फ्राई करने का, वही बच्चों को स्नैक में देना है. नहीं, ये वेरिएशंस हैं, आप अपने दिमाग से किसी भी तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं. मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको पहले फ्राई करूँगी. आपको पता है 3 से 4 मिनट में ये बेहतरीन फ्राई हो जाएंगे. उसके बाद मैं अपने क्रिस्पी शॉर्ट्स में कुछ चीज़ें ऐड करके, सिराचा सॉस ऐड करके, और फिर मैं अपने ये कप्स जो मैं बनाए हैं आपके सामने बनेंगे, आप लोग घबराए नहीं, बताऊँगी आपको. मफिन ट्रे में इसको बनाए हैं, इन कप्स में ये फिलिंग को डालूँगी और फिर हम इसको सर्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ. हर तरीके से आप लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. कौन कहता है कि इसको प्लेन आप बस बनाएं. ओह बाय द वे, अगर आपको क्रिस्पी शॉर्ट्स नहीं डालने का भी हो सकता है, बाज़ औक़ात घर में अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं मतलब कि आप ये नहीं बना सकते. आप इसको चिकन नगेट्स से बना लें मोनसलवा के. मोनसलवा के नगेट्स नहीं हैं तो आप इसको मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का लगेगा. उस वो और सिराचा सॉस का तो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है. आज मेरा माइक मुझे बहुत तंग कर रहा है. 3 to 4 minutes आपको पता है इसका फ्राइंग टाइम होता है. ये तो बताने की आपको मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये एज इट इज़ ही फ्राई करके कितने मज़े के लगते हैं. चाय पे सर्व करें, बच्चों को स्नैक्स में दें. ठीक है, ये फिर मैं सेकंड उसमें फ्राई करूंगी. कॉलर है हमारे साथ रावलपिंडी से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? अफशीन जी. जी कैसे हो अफशीन? कैसी हैं सुमेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस आपकी तारीफ करनी थी और काफी देर से मिला रही थी क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो. थैंक यू सो मच. आप लोगों का प्यार, आप लोगों का अप्रिसिएशन ही है जो आज मैं दोबारा खड़ी हुई हूँ. थैंक यू. मेरा आप बोलती बहुत अच्छा है, सॉफ्ट और इतना तहर के समझाना आपका, तो वो बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. काफी देर से मैंने कहा लाजमी आज मिल जाए, मैं आपको कह दूं कि आप बहुत अच्छी लगी. थैंक यू अफशीन, बहुत बहुत शुक्रिया. कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश की सर, बस एक सवाल था, मतलब मेरे वो एक काम, मतलब समझ लें कि वो बोले होता है वो अच्छा. मैं पाई जब बनाती हूँ ना मैं, ठीक है, तो वो जो ग्रेवी जो होती है ना वो गाढ़ी नहीं होती. प्याज काफी जैसे जैसे पाए की जब हम लोग अलहदा से जब उसे गिलाती हैं, बिल्कुल, तो उसके बाद जब मसाला तैयार करके उसमें जब भूनते हैं तो उसका वो पानी की तरह शोरबा होता है, गाढ़ा नहीं होता. प्याज आप प्याज लाल प्याज नहीं डालती हैं उसमें? नहीं, मसाले में तो डलती है ना. हाँ, तो फिर कम डलती होगी, आप थोड़ी सी ज्यादा डालें. कितनी डालते हो आप? जैसे 4 पाए होते हैं मटन के. बिल्कुल ठीक है, उसमें 1-1.5 प्याज तकरीबन ले लेती हूँ क्योंकि फिर मीठे मीठे हो जाएंगे ना. लाल प्याज आप फ्राई करके प्याज डालो. फ्राई करके ब्लेंड कर, मतलब सॉरी ग्राइंड, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके और फिर डालो. अच्छा, नहीं तो लेकिन वो उसका सालन मीठा से नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. 1 कप डाल सकते हो आप. अच्छा हाँ, ये डाल के आप बिल्कुल बिल्कुल आप 1 कप डाल के ट्राई करके देखो, नहीं होगा इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. ठीक है, थैंक यू अफशीन. ये देखें कितने मज़े के ये क्रिस्पी फ्राई हो रहे हैं.
चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कप्स कैसे बनाए। मफिन ट्रे हर किसी के घर में होती है, ठीक है। ये आपने ट्रे ले ली, ट्रे लेने के बाद समोसे की पट्टियों को आपने मेरे आज तक इतने सालों में जितनी नज़रों से गुजरी हैं, दो साइज़ की पट्टियाँ आती हैं, एक इतनी लंबी होती है और एक इतनी छोटी होती है। आपने इसको इतना छोटा करना है, घर लाके इसको साइड से काट दें, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, रखें उसको फ्राई करने में, किसी भी चीज़ के ऊपर डालने में काम आता है। इसके एक दो टिप्स हैं। टिप्स ये हैं कि जब हम ये कप्स बनाएंगे तो हम एक साथ 12 में नहीं बनाएंगे, एक एक आपने छोड़ के बनाना है। उसका रीज़न ये है कि आप ये देखो, अगर मैं इधर इसको ये डालूँगी, ठीक है, तो ये साइड्स बाहर निकल रहे हैं। अब अगर ये इससे टकराएंगे तो ये बेक होके टूट जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह करना है, ये आपके कप्स बनेंगे। बट इसको चिपकाना भी है, यहाँ पर एग रखा हुआ है, इसको आपने हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा, वरना ये अगर उस पर चिपकेगा ना आपकी मफिन की ट्रे पे, तो फिर ये निकलेगा नहीं, मतलब ये आपका कप ट्रे में ही चिपक जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये उससे नहीं चिपके। ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए। बस मैं वो एक आपको बता दूँ, एक दोबारा वापस बताऊँगी, फिर मैं इसको निकाल रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ का काम है ये, ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। ये चिपक गया। अब इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ और यहाँ लगाऊंगी तो फिर ये आपस में टकराएंगे और फिर ये टूट जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा एक और बताऊंगी, आप फिक्र नहीं करें, मैं पहले अपनी चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स निकाल लूँ। अच्छा, ब्रेक भी आ गई है। जब तक हम अपने चिकन शॉर्ट्स निकाल रहे हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएं, फिर मैं अपने मज़े के चिली चिकन शॉर्ट्स वो कंप्लीट कर रही हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। यहाँ पर बन रहे हैं बहुत ही मज़े के चिली चीज़ कॉर्न कप्स, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए थे अपने मोनसलवा के चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स, उसको मोटा मोटा हाथ से मैंने श्रेड कर लिया है। अच्छा, मैं ये आपको बता रही थी, सॉस हम इसकी बाद में बनाएंगे, मैं एक दफ़ा आपको एक और ये बता दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसको मैं अभी बेक कर लूँगी यहाँ पर। एक एक पट्टी लेनी है। कॉलर है हमारे साथ फारूक लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक फारूक भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो। थैंक यू, आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मंडे से आपका शो देख रहे हैं और मंडे की रेसिपी भी बहुत अच्छी थी। आज को वैसे भी मेरी फेवरेट आपने जो हाइटी की रेसिपीज हैं वो ऐड की हैं, बहुत जबरदस्त तीनों रेसिपी। बिल्कुल, थैंक यू। मेरे भाजी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आपके डिजर्ट, तो मुझे पता है कि वो तो बहुत अमेजिंग होते हैं और मैंने खाए भी हैं लाहौर में जब आपने क्लास करवाई थी जी। तो आपने मूव्स तो बहुत ज्यादा सिखाए हैं, लेकिन आप अपने स्टाइल से कोई मूव्स जरूर बनाना सिखाइएगा, ऐड जरूर कीजिएगा। कल है, कल ही हम, बिल्कुल कल ही हम बना रहे हैं बहुत मजे का कॉफी, चॉकलेट कॉफी मूव्स या कुछ इस तरह का है, कल ही है तो कल आप जरूर। वो तो जबरदस्त है, लेकिन मुझे चॉकलेट मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मूज कोई किसी फ्रूट में सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, जरूर, ठीक है, ठीक है। तो मुझे पता है आपके पास बहुत सारी रेसिपीज हैं डिजर्ट की स्पेशली। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और एक
एक एक चीज मुझे जो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी वो ये थी कि आप जो आपा की जो आपकी फेवरेट रेसिपी है ना, एक उसको ऐड जरूर कीजिएगा जो आपको बहुत पसंद है, स्पेशली जब वो आपके पास आपके लिए संडे वगैरह पे लंचेस वगैरह पे बनाती हैं आप लोगों के लिए। मेरे लिए मेरी उनके हाथ की पसंद की चीज जी बिल्कुल एक एक जरूर ऐड कीजिएगा जो आपको बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है ठीक, मुझे तो सब कुछ बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज। ये तो इतनी मुश्किल में डाल दिया उन्होंने, मैं क्या क्या बनाऊंगी। ठीक है ये इस तरह से करके और इसको हम अवन में डालेंगे, बट मैं अवन में इसको बाद में डालूंगी बिकॉज अभी इसकी फिलिंग बना के और मुझे पहले ये कप्स बेक करने। अच्छा अब इसकी हम फिलिंग कैसे बनाएंगे, इसकी फिलिंग के लिए चिली चीज़ कॉर्न कप्स की फिलिंग के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए बटर 2 ounces, बटर में मैं सबसे पहले डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें फाइनली चॉप्ड। ठीक है ये डाल के और इसके बाद मैं इसमें फिर कॉर्न ऐड करूंगी हल्का सा, ये जब थोड़ी सी इसकी खुशबू आएगी तो फिर मैं इसमें इटालिया का स्वीट कॉर्न डालूंगी। बटर मेल्ट होगा, खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें डालूंगी 1 can कॉर्न, पाइनएप्पल, ये सारी वो चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पूरा 1 can इटालिया का कॉर्न या 1 cup। ठीक है ये डाल के इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी सारी सॉसेस और सीजनिंग्स। सॉसेस आपको पता है मेरे चिली चीज़ कॉर्न कप्स का जो टेस्ट होगा वो डबल इन्हांस हो जाएगा सूरी की सॉसेस से। डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि सूरी की सॉसेस जो हैं वो आपको घर में हर चीज़ का टेस्ट रेस्टोरेंट वाला देती हैं। ठीक है सीजनिंग्स में डाल दूँ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, सॉल्ट 1/2 teaspoon। अब जो इसमें मेन कप्स को मज़े का और फ्लेवर देने के लिए जो मैं डालूंगी वो मैं डालूंगी सूरी की सिराचा सॉस, जो मैंने आपको कहा दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉसेस ऑफ सूरी, वन ऑफ माय फेवरेट नॉट ओनली। एक इनकी स्वीट चिली सॉस, वहाँ आप देखें मैंने अपनी टेबल पे बोल्स भी रखे हुए हैं, मैं अभी सारी सूरी की सॉसेस यूज़ करूँगी। ये आप डालोगे कंजूसी नहीं करना है, ये आपने आराम से 1/2 cup डालना है बिकॉज अगर आपने इसमें कंजूसी की तो वो फ्लेवर ही नहीं फिर आएगा और इसके बगैर ये बनेगा नहीं। मतलब आई डोंट मीन बनेगा नहीं, ऑफ कोर्स बन जाएगा, आप इसमें कुछ भी और सॉस डाल सकते हो, बट ये जो एग्जैक्ट फ्लेवर है मेरी रेसिपी का वो नहीं आएगा। और इसमें मैं डालूंगी 1 tablespoon सैम्बल ओलिक, ये जिस तरह मैंने कहा वो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, उसी तरह ये मेरी मम्मी की भी फेवरेट है। ये कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा अप्पा, कैसे हो आप? वेलकम टू द शो सुमेरा, थैंक यू। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप क्या बोलो, आपा शीरीन तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैं तो बस जब तक उनसे बात ना करूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा डे गुजर जाएगा। अच्छा आप थोड़ी सी अपनी एक्साइटमेंट कम करके जल्दी से अपना नाम तो बता दें मुझे। राविया। अच्छा कहाँ से बात कर रही हैं आप? कोयटा। ओके जी राविया अब बोले। तो मेरा आपके आपसे फरमाइश करनी थी। बिल्कुल करें। फारूक भाई ने तो आपसे करी भी कि आप पर ये कि जो आप मंडे से डिशेस बना रहे हैं बाकी वो हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, मैंने मंडे वाली ट्राई की। मेरा इशू ये कि जो बेकिंग आप लोग सिखाते हो वो मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास कोई फैसिलिटीज है नहीं, पर मैं डायरीज नोट डाउन करती रहती हूँ, लिख रही होती हूँ, पर इंशाल्लाह मुझे जब भी मौका मिला मैं आपा की बेकिंग की बनाई और आपकी बनाई हुई चीजों को जरूर ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्या फरमाइश कर रही थी? मैं ये फरमाइश कर रही थी मुझे ना रस मलाई बनाना सिखा दें।
रस मलाई मैंने लास्ट टाइम सिखाई है, फरमाइश आई थी, मिस हो गई थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिखा दूंगी। और अगर आंटी आपा शीन आंटी की कोई कॉल आए तो जरूर उनको मेरा सलाम दीजिएगा, एंड मेरी तरफ से मिस यू जरूर बोलिएगा। जरूर 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 बोलूंगी। थैंक यू, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये रेडी हो गया मिक्सचर, इसको मैं बंद कर रही हूँ। अब किया क्या मैंने इस मिक्सचर में, इसमें मैंने 2 ounce मक्खन गरम किया, उसमें 2 से 3 बारीक फाइनली चॉप्ड हरी मिर्चें डाली। वो डालने के बाद मैंने इसमें इटालिया का पूरा एक कैन स्वीट कॉर्न का डाल दिया, उसको थोड़ा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने सॉल्ट और पेपर डाला 1/2 teaspoon। उसके साथ मैंने अपनी फेवरेट सिराचा सॉस इसमें डाली 1/2 cup, और आपकी आपा का फेवरेट डाला 1 tablespoon सैम्बल ऑलिक। ये सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने फ्लेक्ड आमंड्स डाले, वो मैं कॉलर के साथ थी इसलिए मैंने कहा नहीं, लेकिन आपने डेफिनेटली देखा होगा फ्लेक्ड आमंड्स 1/2 cup। आप नॉर्मल बादाम भी डाल सकते हैं, फ्लेक्ड वाले हल्के से बारीक स्लाइस हुए किए हुए होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं इसमें, वो डाल के। और इसमें मैंने अपने मोनसलवा के क्रिस्पी शॉर्ट्स को फोल्ड इन कर दिया, ठीक है, फोल्ड कर दिया। ये चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, मैं इसको एज इट इज़ यहीं पर छोड़ दूँगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से आप लोग वापस आएँगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको कप्स में किस तरह डालना है और क्या करना है। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मैं अपने सूरी की सॉसेस के लिए अपने डिप वाले बोल्स लेने आई थी, इसमें मैं अपनी फेवरेट सॉसेस डालूंगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, मैंने कप्स रेडी कर दिए, 2 छोड़ दिए थे आपके लिए। ये फिलिंग देखें कितनी प्यारी लग रही है। भर के बिल्कुल डालिएगा, कंजूसी नहीं करनी है। इसके ऊपर चीज़, और फिर ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ग्रिल होगा, जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, दैट्स इट। ग्रेटेड चेडर चीज़, आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हो, चीज़ ज़रूर डालना, चीज़ से बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। ठीक है, ये हो गया, अब ये इसको मैं डालूंगी अवन में। फाइव टू सेवन मिनट्स, या अगर आपको टाइम का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप टाइम के हिसाब से नहीं जाना, बस आप 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद खोल के देख लें कि जैसी आपको लगे चीज़ मेल्ट हो गई है, बस ये कप्स आपके रेडी हैं। थोड़ा सा ऊपर मैं इसके ओरिगैनो स्प्रिंकल करूँगी या धनिया, आपको पता है, एंड इट्स रेडी। अच्छा, अब मैं अपनी सॉसेस इसमें डालूंगी। पहले कॉलर है हमारे साथ, नाहिद खान फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप शीरीन कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, सेकंड टाइम आपको देख रही हूँ, लास्ट ईयर देखा था उसके बाद अब देख रही हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपसे एक सुमेरा रिक्वेस्ट करनी थी ना, प्लीज बोलिए। हाँ, ये मतलब मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक आइटम जो है, अगर आपको मुनासिब लगता है मेरी बात, तो सब्जी का, वेजिटेबल का एक आइटम जरूर रखा करें, जरूर अल्टरनेटिव रख लिया करें, चलें कोई बात नहीं, ठीक है, एक दिन छोड़ के जरूर। आने वाले दिनों में बहुत सारी हैं सब्जियां, वेजिटेरियन है। और मुझे अब पर्सनली मुझे ग्वार फली बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो ग्वार फली और माश की दाल जो खड़े मसाले वाली होती है, जब दाल का आप करें तो दाल बनाइएगा। और मुझे ग्वार फली बहुत, मेरी मतलब समझने की वीक पॉइंट है, ठीक है, इसमें इतनी ज्यादा पसंद, ठीक है ठीक है। और आपको पता है, हम मम्मी ने आई थिंक सिखाई होगी, आई डोंट नो, हमारी जो घर में ग्वार की
सब्जी बनती है वो मेरी दादी की रेसिपी है, तो मैं इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। हाँ, इनफैक्ट क्या होता है कि अपने अपने दौर पे तो हर शख्स हर बिल्कुल 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 हर किसी की रेसिपी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल हाँ, इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे ज्यादा बेहतर हो किसी। बिल्कुल, ऐसे भी हो सकता है कि आपके घर की कोई चीज हमसे ज्यादा अच्छी हो। बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे अपनी दोस्तों के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, अपने हाथ का नहीं पसंद आ रहा होता। हर किसी के घर की रेसिपी इंस्टीट्यूट है, आप लोगों से तो हम सीख रहे होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों से भी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, सीखना तो आपको पता है। ये आपकी मैं क्या कहती हूँ, बड़ापन है आपका। बहरहाल आप जब भी बनाएंगी ग्वार, बिल्कुल आप देखते रहिएगा शोज, मैं इंशाल्लाह बीच में जरूर ऐड करूंगी। अच्छा, दाल भी है, कड़ी भी है, सब्जी भी है, सब कुछ है। सुमेरा, एक दिन एक बार मैंने बहुत काफी अर्सा पहले अरहर की दाल और चावल खाए थे। ठीक है, अरहर की दाल, पता नहीं आप समझ रही हैं। बिल्कुल 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 बनती है, बिल्कुल। मैंने आज तक वो टेस्ट, मुझे कभी मेरी मुमानी ने बनाई थी वो टेस्ट, मुझे आज तक कहीं नहीं मिला और मुझे बनानी भी नहीं आती। अच्छा, तो काइंडली अगर आपके पास इतनी फुर्सत हो, फरागत हो, या आपको टाइम मिले आपको, तो कभी जरूर जरूर जरूर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है। जब तक मैं अपने चीज़ चिली कॉर्न कप्स निकाल के डेकोरेट करती हूँ, आप लोग ब्रेक लेके वापस आएँ, फिर हम अपने बीफ चिली पोटैटो स्किन स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक। ओप्स, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। ओके, आप इससे पहले मैं अपने बीफ चिली पोटैटो स्किन्स पे आऊँ, आप लोग वो देख लो, मैंने निकाल के उस को गार्निश करके और अपने सर्विंग टेबल की तरफ रख दिया है। चिली चीज़ कॉर्न कप्स, अगर आप उसको गौर से देखो, एक चीज़ अगर कोई नोटिस कर सकता है कि जब मैंने आपको इनिशियली ये दिखाए थे तो ये वाइट थे, वाइट इन द सेंस कि मैंने इनको जब घर से बेक करके जो मैं लाई थी वो इनको मैंने ब्राउन नहीं किया था। उसका रीज़न यही था कि मुझे पता था मैंने इसमें चीज़ डाल के दोबारा 4 से 5 मिनट बेक करना है। और आप ये देखो, विद इन 4 to 5 मिनट्स आप लोग ब्रेक पे गए हो और मैंने इनको फ़ौरन निकाल दिया है। सिर्फ इतनी देर इसको डाला था कि ये चीज़ मेल्ट हो जाए, और वो चीज़ जब तक मेल्ट हुई उनका कलर भी आ गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बीफ चिली पोटैटो स्किन्स पे। आज हकीकत में तीनों रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ें बनी हैं, ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर इनको ट्राई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, गौर से सुने, 6 मीडियम साइज़ के आपने आलू लेने। उन आलूओं को आपने बगैर काटे हुए, बगैर कुछ छीले हुए, कुछ भी बगैर किए हुए, सिर्फ धो के आपने उनको घड़ी देख के 10 से 12 मिनट ओनली 10 से 12 मिनट आपने उसको बॉईल कर लिया। बेशक वो कच्चे रह जाएं कोई बात नहीं, 10 से 12 मिनट आपने उनको बॉईल करके उतार लिया। उतारने के बाद छन्नी में रखा, जब वो सारा उसका पानी सूख गया तो आपने डीप फ्राई किया उसको इटालिया के ऑलिव ऑयल में। डीप फ्राई करने का टाइम इज़ घड़ी देख के 15 मिनट्स, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी ये मैं घड़ी देखने पे क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ। 15 मिनट्स आपने उसको फ्राई कर लिया, फ्राई करने के बाद आपने उसको ठंडा करके बीच में से हाफ़ किया। बीच में से हाफ़ करने के बाद आपने छोटा जो हमारा स्कूप होता है या स्पून होता है, ज़रूरी नहीं है, उससे आपने इसको हॉलो कर लिया। ये देखें, इसका अंदर का आपने उबला हुआ आलू गूदा निकाल लिया। अब घड़ी पे मैंने एम्फेसाइज टाइम पे क्यों किया था, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बॉयल हो जाएगा ये छिलका इसका ख़राब हो जाता है, फट जाता है, हॉलो टूट जाएगा, इसलिए इसको हमने यही शक्ल देनी है। जब आपने इनको हॉलो कर लिया, इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर दिया सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, समझ आ गया। आलू को आपने इस तरह से रेडी कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपने कीमा बनाना है, भुनावा कीमा, बहुत सिंपल है, हर घर में भुनावा कीमा बनता है। आज सिर्फ थोड़ा सा इसको मैंने डिफरेंट ये किया था कि इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट और टोमेटो केचप नहीं डाली। रीज़न, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना था। यहाँ पर एक है रेस्टोरेंट कराची में जिस यहाँ पर ये मिलते हैं, और वहाँ पर सूरी की सॉसेज यूज़ होती हैं, इसीलिए मैंने इसमें ना केचप डाली ना प्यूरी डाली। अब मैं इसमें सूरी की सॉसेज डालूँगी आपके सामने, टू गिव इट एग्जैक्ट वही उसी रेस्टोरेंट वाला टेस्ट, ठीक है। सूरी की मैं इसमें डालूंगी स्वीट चिली सॉस, और मैं इसमें ऐड करूंगी सैंबल ओलिक, 2 टेबलस्पून सैंबल ओलिक,
और ये सूरी की स्वीट चिली सॉस, ये मैं खुलवा के इसमें ये भी दो टेबल स्पून डालूँगी, और इसमें मैं डालूँगी ऊपर से थोड़े से ओरिगैनो लीव्स। जैसे आप अपना कीमा भूनते हैं वैसे ही भूनें। ये देखें यहाँ पे ये मेरी दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, ये मैंने नहीं यूज़ की हैं, ठीक है, ये दोनों एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। आपने तेल गरम किया, उसमें आपने अपना बीफ का कीमा डाला, कीमा डालने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, प्याज थोड़ी सी डाली, वो डालने के बाद इतनी देर उसको पकाया कि पानी सारा सूख गया। पानी सूखने के बाद आपने उसमें सारे स्पाइसेस डाले, स्पाइसेस डालने के बाद आपने उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के चूल्हे से उतार दिया, ठीक है। ये हो गया आपका कीमा। ये दो टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सूरी की स्वीट। ये जो आपका कीमा है इसको इसी तरह सॉसी होना है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी सार क्रीम। सार क्रीम सबको पता है किस तरह बनती है। एक कप या एक पैकेट क्रीम में मैं 2 टेबलस्पून डालती हूँ लेमन जूस या वाइट विनेगर, और इसको हम मिक्स कर देंगे। ये हमारी बन जाएगी सार क्रीम। इसमें मैं डालूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड पिंच ऑफ ऑरिगैनो। आलू सबको समझ आ गए, कीमा भी सबको आई होप समझ आ गया होगा, और ये मेरी सार क्रीम बन गई। अब हम करेंगे क्या, अब हम ये सारी चीज़ें अपने पोटैटो स्किन्स में फिल करेंगे। ऊपर से हम चीज़ ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डाल के, और सिर्फ उसी तरह जिस तरह हम अपने कप्स को 2 मिनट के लिए ग्रिल किया था उसी तरह ग्रिल करेंगे। ये देखें, सबसे पहले इसमें सार क्रीम जाएगी, अगेन वेरी नाइसली, बिल्कुल इसको आपने भर के डालना है, मतलब इतना नहीं डालना कि ये बस काम चला हुआ है। एक एक टीस्पून अच्छे से भर के डालें, बाकी मैं ब्रेक में करती हूँ। अच्छा, ये डाल के इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कीमा। ये देखें कितना सॉसी कीमा है, कीमा हैज़ टू बी सॉसी, ठीक है। ये कीमा डलेगा इसमें, इसके ऊपर से फिर हम डालेंगे इसमें मोज़रेला चीज़। हम लोग कितना कॉम्प्लिकेट करते हैं हाइटी की चीज़ों को, सिंपल है ये। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ इस तरह से डाल के, और फिर ये होगा बेक नहीं ग्रिल 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए, ठीक है। ओके, ब्रेक का टाइम आ गया, आप लोग ब्रेक लेके वापस आएँ जब तक मैं ये सारे कंप्लीट कर रही हूँ। स्टे विद अस। बीफ चिली पोटैटो स्किन, अज्जा उबले आलू 6 अदद, तेल फ्राइंग के लिए नमक मिर्च 1 चाय का चम्मच, फिलिंग के अज्जा तेल 1/4 कप, गाय का कीमा 250 ग्राम, कटी प्याज 1/2 कप, कटा लहसुन 1 चाय का चम्मच, कटी अदरक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, पिसा जीरा 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चम्मच, ओरिगानो 1/2 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, सार क्रीम के अज्जा क्रीम 1 कप, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, नमक मिर्च 1 चुटकी, ओरिगानो 1/2 चाय का चम्मच, कद्दूकश मोज़रेला 1 कप। तरकीब, एक पैन में तेल गर्म करके कटी अदरक लहसुन और कीमे को 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज शामिल करके कीमे का पानी खुश्क होने तक सौते करें, फिर इसमें तमाम मसाले, चीनी, टमाटो प्यूरी और केचप शामिल करके फ्राई करें। अब उबले आलुओं को छिलके समेत फ्राई करें, अब इसमें नमक मिर्च डाल दें, फिर इसे लंबाई में काट कर दरमियान में होल करें, उसके बाद इसमें कीमे की फिलिंग शामिल कर लें। अब सार क्रीम के तमाम अज्जा मिक्स करके इसमें शामिल करें, फिर इसमें कद्दूकश मोज़रेला डालकर 5 मिनट चीज़ पिघलने तक ग्रिल करके सर्व करें। हुमस पफ्स अज्जा, मिनी बन 12 अदद, पिघला मक्खन ब्रश करने के लिए फिलिंग के लिए अज्जा, उबले चने 1/2 कप, तहरी पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1/4 कप, लहसुन 1 चाय का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, क्रीम 1/2 कप, नमक मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चम्मच, सब्जियां खीरा 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, कटे जैतून टॉपिंग के लिए, कटे हलेपेनो हस पे ज़रूरत। तरकीब, 12 अदद बंस को दरमियान से होल करके पिघले मक्खन से ब्रश कर लें, अब इन्हें 10 से 12 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में बेक कर लें।
پھر فلنگ کے تمام اجزاء بلینڈ کر کے نرم ہومس بنا لیں. اس کے بعد اسے تمام سبزیوں میں فولڈ کر کے منی بنس میں بھر دیں. آخر میں اسے ہلپینو اور زیتون سے سجا کر پیش کریں. چلی چیز کارن کپس اجزاء. سموسا پٹی حسب ضرورت. تیل برشنگ کے لیے فلنگ کے اجزاء. چکن شارٹس آدھا پیکٹ. کدو کش چیڈر چیز ایک کپ. سویٹ کارن ایک کین. ہری مرچیں 3 عدد. مکھن 2 اونس. نمک مرچ آدھا چائے کا چمچہ. چھلے بادام آدھا کپ. دودھ ایک کھانے کا چمچہ. ترکیب. کپ کیک کی ٹرے کو چکنا کر کے سموسا پٹی لگائیں. اب اسے تیل سے برش کر کے کپس کی شکل دے کر 180°C پر 20 منٹ بیک کر لیں. پھر کڑاہی میں مکھن گرم کر کے مرچیں کارن تکا بوٹی تمام سیزننگ بادام اور دودھ شامل کر کے کچھ دیر فرائی کریں. اس کے بعد اسے کدو کش کی ہوئی چیز میں مکس کریں. آخر میں فلنگ کو کپس میں بھر کر گرل کر کے سرو کریں. بیف چلی پوٹیٹو سکن اجزاء. ابلے آلو 6 عدد. تیل فرائنگ کے لیے نمک مرچ 1 چائے کا چمچہ. فلنگ کے اجزاء. تیل 1/4 کپ. گائے کا قیمہ 250 گرام. کٹی پیاز 1/2 کپ. کٹا لہسن 1 چائے کا چمچہ. کٹی ادرک 1 چائے کا چمچہ. کٹی لال مرچ 1 چائے کا چمچہ. گارلک پاؤڈر 1/2 چائے کا چمچہ. پسا زیرہ 1 چائے کا چمچہ. پیپریکا 1 چائے کا چمچہ. ٹومیٹو پیوری 2 کھانے کے چمچے. اوریگانو 1/2 چائے کا چمچہ. چینی 1 کھانے کا چمچہ. سار کریم کے اجزاء. کریم 1 کپ. لیمو کا رس 3 کھانے کے چمچے. نمک مرچ 1 چٹکی. اوریگانو 1/2 چائے کا چمچہ. کدو کش موزریلا 1 کپ. ترکیب. ایک پین میں تیل گرم کر کے کٹی ادرک لہسن اور قیمے کو 5 منٹ فرائی کر لیں. اب اس میں پیاز شامل کر کے قیمے کا پانی خشک ہونے تک سوتے کریں. پھر اس میں تمام مسالے چینی ٹومیٹو پیوری اور کیچپ شامل کر کے فرائی کریں. اب ابلے آلوؤں کو چھلکے سمیت فرائی کریں. اب اس میں نمک مرچ ڈال دیں. پھر اسے لمبائی میں کاٹ کر درمیان میں ہول کریں. اس کے بعد اس میں قیمے کی فلنگ شامل کر لیں. اب سار کریم کے تمام اجزاء مکس کر کے اس میں شامل کریں. پھر اس میں کدو کش موزریلا ڈال کر 5 منٹ چیز پگھلنے تک گرل کر کے سرو کریں. ہومس پفس اجزاء. منی بن 12 عدد. پگھلا مکھن برش کرنے کے لیے فلنگ کے لیے اجزاء. ابلے چنے 1/2 کپ. تہینی پیسٹ 1 کھانے کا چمچہ. لیمو کا رس 1/4 کپ. لہسن 1 چائے کا چمچہ. دہی 2 کھانے کے چمچے. کریم 1/2 کپ. نمک مرچ 1/2 چائے کا چمچہ. تیل 2 سے 3 کھانے کے چمچے. سبزیاں. کھیرا 1 عدد. کٹی پیاز 1 عدد. کٹا ٹماٹر 1 عدد. کٹے زیتون ٹاپنگ کے لیے. کٹے ہلپینو حسب ضرورت. ترکیب. 12 عدد بنس کو درمیان سے ہول کر کے پگھلے مکھن سے برش کر لیں. اب انہیں 10 سے 12 منٹ 180°C اوون میں بیک کر لیں. پھر فلنگ کے تمام اجزاء بلینڈ کر کے نرم ہومس بنا لیں. اس کے بعد اسے تمام سبزیوں میں فولڈ کر کے منی بنس میں بھر دیں. آخر میں اسے ہلپینو اور زیتون سے سجا کر پیش کریں. چلی چیز کارن کپس اجزاء. سموسا پٹی حسب ضرورت. تیل برشنگ کے لیے فلنگ کے اجزاء. چکن شارٹس 1/2 پیکٹ. کدو کش چیڈر چیز 1 کپ. سویٹ کارن 1 کین. ہری مرچیں 3 عدد. مکھن 2 اونس. نمک مرچ 1/2 چائے کا چمچہ. چھلے بادام 1/2 کپ. دودھ 1 کھانے کا چمچہ. ترکیب. کپ کیک کی ٹرے کو چکنا کر کے سموسا پٹی لگائیں. اب اسے تیل سے برش کر کے کپس کی شکل دے کر 180°C پر 20 منٹ بیک کر لیں. پھر کڑاہی میں مکھن گرم کر کے مرچیں کارن تکا بوٹی تمام سیزننگ بادام اور دودھ شامل کر کے کچھ دیر فرائی کریں. اس کے بعد اسے کدو کش کی ہوئی چیز میں مکس کریں. آخر میں فلنگ کو کپس میں بھر کر گرل کر کے سرو کریں. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ ایوننگ وتھ شیرین. یہ ہمارے بیف چلی پوٹیٹو سکنز بھی ریڈی ہیں. ان کو میں نے اپنے پلیٹر میں نکال کے اور تھوڑا سا گارنش کر رہی ہوں. اچھا یہاں پر جو میرے ہیلپرز ہیں نا وہ بھی آدھے بلکہ آدھے نہیں پورے حد تک کہ ماشاء اللہ شیفس بن چکے ہیں. میں ان کو اوون کی ٹریز میں بیک کر رہی تھی. بختیار بھائی نے مجھے کہا آپ اس کو اس میں کریں. یہ دیکھیں کتنا اچھا آئیڈیا ہے. آپ لوگ بھی اس کو مفن کی ٹرے میں کرنا تو وہ آرام سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شو کا ٹائم ہمارا فنش ہو گیا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی چیزیں پسند آئی ہوں گی. ضرور ٹرائی کیجیے گا, ٹرائی بھی کر کے, اور آپ نے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. آئی ول ریئلی بی ویٹنگ فار یور فیڈ بیک. کل ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کل بھی بہت مزے کی 3 چیزیں ہیں. بریکفسٹ کیش ہے, ایک کریکر کچھ ہے, اور ایک میٹھا. فاروق بھائی نے جس طرح کہا تھا, تو آپ کل کا شو ضرور دیکھیے گا. اور یہ 3 برانڈ جو آج ہمارے ساتھ تھے جن کو میں نے یوز کیا ہے, ان کو بھی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کل آپ سے سیم اسی ٹائم 6:30 پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.